तुलसी माता की जय। तुलसी माता का विवाह निकट आ रहा है और हम बना रहे हैं उनके लिए लहंगा चुनरी। चुनरी बनाने के लिए हमने जो चौड़ाई है वो 22 यानी कि 22 ले ली है और जो लंबाई है वो 11 यानी कि 11 ले ली है और अब हम इसको कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद हम तुलसी माता के लहंगे की कटिंग करेंगे और उसके लिए जो लंबाई और चौड़ाई हम लेंगे वो आपको अभी हम दिखाने वाले हैं। ये देखिए, ये हम ले रहे हैं चौड़ाई और यह हमने ली है 30 इंच और यह है लंबाई और यह हमने ली है 13 यानी कि 13 इंच और अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। आप अपनी तुलसी माता की लंबाई और चौड़ाई हाइट एंड ब्रेथ के हिसाब से कटिंग करें। ये देखिए, मैंने चुनरी की कटिंग कर ली है वो मैं आपको दिखा रही हूँ और ये है जो है वो लहंगा और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए लहंगे की जो चौड़ाई है उसको एक साइड से हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और जो ऊपर की जो चौड़ाई है उसे हम फोल्ड नहीं करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से भी हम फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि कपड़े में खुद ही किनारी बनी हुई है। अगर आप ड्रेस बना रहे हैं और कपड़े में किनारी नहीं है तो आप फोल्ड कर लें, अदरवाइज मेरी तरह ही फोल्ड ना करें। ये देखिए, मैंने कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर जो है लेस लगाऊंगी। लेस मैं लाई हूँ जो बहुत ही प्यारी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी प्यारी लेस लेके आई हूँ मैं। आप देखते ही कहेंगे कि वाव, सच अ ब्यूटीफुल लेस। देखिए, अब मैं इसको लगा रही हूँ। इसको लगाने के लिए आप पहले जो साइड से है वो उसको थोड़ा सा फोल्ड कर लें ताकि लेस बाद में निकले नहीं और जो सिलाई हमने लगाई थी नीचे से फोल्ड करके उसी के ऊपर आपको लेस लगा देनी है ताकि वो जो धागा है सिलाई वाला वो भी नहीं दिखेगा। ये देखिए, लेस हमने लगा दी है और अब चौड़ाई की दूसरी साइड हम डालेंगे प्लेट्स। प्लेट्स को थोड़ा दूर दूर डालना है ताकि ड्रेस हम बहुत अच्छे से पहना पाएँ, लहंगा पहनाने में कोई भी दिक्कत ना हो और ड्रेस बहुत ही प्यारी लगेगी आपको जब पूरी बन जाएगी। और बहुत ही ईजी है इसको बनाना, जब आप बनाएंगे बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। और अब मैं इसमें स्ट्रिप लगा रही हूँ इस तरह से, थोड़ी सी कपड़े की पट्टी लेकर और इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है और अब मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। थोड़ी सी दूरी तक सिलाई लगाने के बाद मैं सिलाई लगाना बंद कर दूंगी और उसके बाद जो ये स्ट्रिप है इसके अंदर जो लहंगा है उसकी प्लेट्स को अंदर फोल्ड करके और उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। देखिए किस तरह से लगाना है, आप वीडियो में एंड तक ध्यान से देखिए और आप बहुत ईजीली लगा पाएंगे। देखिए इस तरह से लगाना है और उसके बाद अब ये यहाँ पर थोड़ी सी फोल्ड हो गई है और अब इसके बाद मैं सिलाई को रोक दूंगी और जो लहंगा है इसको सीधा करके प्लेट्स को अंदर कर देना है और जो ये स्ट्रिप है वो ऊपर रहनी चाहिए और इसके ऊपर अब मैं सिलाई लगा दूंगी और पूरे एंड तक इसी तरह से मैं सिलाई को लगा दूंगी। स्ट्रिप हमने लगा दी है और अब हम लगाएंगे इसके ऊपर किरण। किरण हमने लगा दी है और लहंगे की सिलाई कंप्लीट हो गई है और अब हम दुपट्टे की सिलाई कर रहे हैं। दुपट्टे की सिलाई के लिए चारों तरफ से हम पहले दुपट्टे को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, दुपट्टे को हमने चारों तरफ से फोल्ड कर दिया है और अब हम इसके ऊपर चारों तरफ से किरण लगाएंगे और जो दुपट्टा है उसकी सिलाई भी कंप्लीट हो जाएगी।
और उसके बाद हम लहंगे की डेकोरेशन करेंगे। हम उस पर लगाएंगे मिरर वाले स्टोन्स। ये देखिए तुलसी माता की चुनरी बना के हमने पूरी तैयार कर दी है और अब हम लहंगे की डेकोरेशन कर रहे हैं। इसके लिए हमने फैब्रिकली का फैब्रिक ग्लू लिया है और उसको थोड़ी थोड़ी दूरी पर डॉट डॉट करके लगा दिया है और अब हम इसके ऊपर ये मिरर वाले स्टोन्स चिपका रहे हैं। एक इसमें पत्ती वाली डिजाइन में है और एक डायमंड वाली डिजाइन में, और हम इनको पूरे लहंगे पर नीचे की साइड में इसी तरह से लगा देंगे और उसके बाद लहंगा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और ये रहा दुपट्टा, और ये देखिए दोनों चीज़ों को साथ में, लहंगा और दुपट्टा। आपको कैसे लगे तुलसी माता की ये ड्रेस हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा।